नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग। तो सिंपल सा देखिएगा, यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कुछ डाउट लोगों को आ रहे थे कि यार जो नया अपडेशन है उसमें हम कैसे एक्यूरेसी को ज्यादा इंक्रीज कर पाते हैं, तो थोड़ा हम वो चेक कर लेते हैं कैसे आपको एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे कि आपको सिंपल सा एक सिग्नल दिखाई दे रहा है अडानी इंटरप्राइजेस का, जो कि सिग्नल आपका यहाँ पर जनरेट हुआ है, सेल सिग्नल यहाँ पर जनरेट हुआ है। अब इसमें अगर चेक कीजिएगा तो जब जिस कैंडल पर सिग्नल जनरेट हुआ था वो कैंडल येलो रंग के नीचे थी, एडवांस स्मार्ट इंडिकेटर जो थे वो 3 की जगह 6 यहाँ पर रेड है। तो जब ज्यादा इंडिकेटर आपके रेड होते हैं तो इसका ये चांसेस होता है कि भाई मार्केट के अंदर एक गिरावट का माहौल बनेगा और अच्छा बनेगा। और यहाँ पर देखिएगा स्मार्ट इंडिकेटर क्या है, लगातार नेगेटिव है। अगर स्मार्ट इंडिकेटर लगातार नेगेटिव चल रहा है इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अभी क्या है, टोटली सेलर है कंट्रोल में, और सेलर क्या करेंगे मार्केट को बढ़ने नहीं देंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा दूं, जैसे कि मार्केट पहले क्या किया, मार्केट पहले यहाँ पर नीचे गिरा, फर्स्ट टारगेट पर थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आया, लेकिन यहाँ से देखिएगा मार्केट ने रिवर्स होने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब रही क्योंकि मार्केट में क्या है, सेलर हावी है, और सेलर क्या करेंगे मार्केट को ऊपर जाने ही नहीं देंगे साहब, कुछ भी कर ले मार्केट, ठीक है। और देखिएगा मार्केट को अंत में गिरना ही पड़ा। तो उससे पता चल जाता है भाई मार्केट में हम जिस डायरेक्शन के अंदर हैं वो सही है या गलत है, या फिर कि हम यहाँ पर देखिएगा चले जा रहे हैं लेकिन उसके अंदर सफलता नहीं मिल रही। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, आपको चीजें ऑटोमेटिक पता चलेंगी कि जैसे कि आपने सेल करके बैठ गए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि सेल तो कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं, लेकिन उनको इतनी टेंशन हो जाती है कि यार मैं क्या करूं, प्रॉफिट बुक करूं क्या ना करूं। तो यहाँ पर अगर मार्केट में आपको पहले ही पता चल जाए भाई मार्केट किसके कंट्रोल में है तो क्या आपको डर लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर ये चीजें आपको पता कर लेनी है, उससे आप मार्केट में अच्छा खासा टारगेट ले पाते हो। अब जैसे कि यहाँ देखिएगा सारी चीजें कंफर्मेशन है, ट्रेंड आपका नेगेटिव है, इसके अलावा एडवांस ट्रेंड जो अपना इंडिकेटर है ये भी नेगेटिव है। साथ साथ देखिए आपका इंट्राडे में सेलिंग है, शॉर्ट टर्म भी सेल, लॉन्ग टर्म भी सेल, मतलब मार्केट काफी अच्छा गिरेगा। तो ऐसा स्टॉक अगर आप सेल करोगे तो डरने वाली बात नहीं, वहां पर आपको काफी अच्छा पैसा मिलने वाला है। अब यहाँ पर इसी तरह मैं एक और स्टॉक आपके सामने बता दूं, क्योंकि इसमें मेरे पास एक कॉल आया था जिन्होंने मुझसे पूछा था कि सर इसका थोड़ा सा बता दीजिए, तो मैं क्लियर कर देता हूँ आपके सामने। स्टॉक का नाम है बी सॉफ्ट। अब यहाँ पर देखिएगा आपको बाय सिग्नल आपको दिखाई दे रहा होगा और सेलिंग भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा सेल आपका जनरेट हुआ, यहाँ पर हुआ, लेकिन इसे हम ट्रेड नहीं कर सकते थे। मैं आपको थोड़ा पीछे करके दिखा देता हूँ, ये देखिएगा क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा हमारी कंडीशन मैच नहीं कर रही थी। क्यों, क्योंकि देखिएगा येलो के ऊपर सेल बना था और नीचे हमारा ट्रेंड क्या था, लगातार ग्रीन था। यानी कि जब मार्केट पूरा ग्रीन हो, यानी कि स्मार्ट इंडिकेटर पूरा ग्रीन हो, तो वहां पर क्या होगा, सेलिंग वाले जो भी सिग्नल आएंगे उनको टोटली अवॉइड कर देना है, क्योंकि उनके अंदर कुछ ही नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट किसे कंट्रोल में, बायर के, बायर मार्केट को गिरने नहीं देंगे, तो सेलिंग करने से मतलब क्या, तो ऐसे सिग्नल को आपको अवॉइड कर देना है। इसके बाद लेकिन देखिए तो बाय सिग्नल आपका जनरेट यहां पर हुआ और यहां देखिएगा आपका ट्रेंड क्या है, लगातार ग्रीन है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ग्रीन है, इंट्राडे मार्केट ग्रीन है, स्ट्रेंथ जो अपना एडवांस मार्केट इंडिकेटर जो है यहाँ पर देखिएगा टोटल यहाँ पर भी ग्रीन शो कर रहा है, यानी कि काफी अच्छा टारगेट जाएगा, काफी अच्छा पैसा मिलेगा। और देखिएगा आपको मिला, ये देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट आपको इजिली मिल चुके हैं यहाँ पर। तो सिंपल से इस तरह से आपको काम करना, डेफिनेटली पैसा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा नया अपडेशन है ये काफी कारगर है, क्योंकि इसकी मदद से अगर आप काम कर रहे हो तो आप मतलब मार्केट में गलत जा ही नहीं सकते, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगा उन लोगों से जो कि भाई वेट कर रहे थे कि निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन का यहाँ पर कोई परफॉर्मेंस शेयर किया जाएगा, तो बता दूं कि आज बैंक निफ्टी ऑप्शन में सर कोई भी सिग्नल जनरेट नहीं हुआ जिसके अंदर काम हुआ हो, किसके कॉल के अंदर, एक सिर्फ पुट के अंदर जनरेट हुआ था, थोड़ा मैं आपको बता दूं उसके अंदर पैसा भी मिला था, ये देखिएगा बता देता हूं, 51,400 का आज का स्ट्राइक प्राइस था। तो यहां पर देखिएगा ये सिग्नल जो जनरेट हुआ था इसके अंदर कोई मतलब की कंडीशन मैच नहीं थी, आप चेक कर सकते हैं, आपके सामने शो कर देता हूं, ये देखिएगा इसमें कंडीशन अपनी मैच नहीं थी, ये देख सकते हैं स्ट्रेंथ नेगेटिव था। इसके पीछे जाता हूं, यहां पर भी देखिए कंडीशन मैच नहीं है, यहां पर देखिएगा स्ट्रेंथ आपका नवीतम नेगेटिव है, और यहां पर वो पीछे चलते हैं तो यहां पर देखिएगा यहां पर जाके आपकी स्ट्रेंथ यहां पर अच्छी खासी हुई थी, लगभग 58%। तो ये वाला आपको काम करना था यहां से। अब लेकिन यहां पर क्यों काम नहीं करना था, इसके पीछे रीजन बता दूं, ये देखिएगा कि जो सिग्नल कैंडल है वो आपकी व्हाइट है,
अगली कैंडल आपकी ग्रीन है तो इसपे भी काम नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने इसको भी अवॉइड किया। इस तरह से देखा जाए तो हमने ना तो कोल के अंदर कोई काम किया ना पुट के अंदर, और इसीलिए देखिएगा मैं भी इसे कोई काम नहीं कर पाया कोल पुट के अंदर, और इसीलिए मैं आपको यहाँ पर कोल पुट की नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर कोई बनता तो डेफिनेटली मैं आपसे शेयर करता। ठीक है, तो ये था भाई आज का पूरा परफॉर्मेंस, सारी चीजें शेयर कर दी, आपके जो क्वेश्चन थे आपने जो कोल लाके मुझसे पूछे थे, आशा करता हूँ वो आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।